भारत जैसे देश में जहाँ सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा भौगोलिक विविधताएं हैं, प्रत्येक प्रदेश के गांव की समस्याओं में भिन्नता है, पर फिर भी लगभग 80% गांव की मूलभूत आवश्यकताएं समान ही हैं। भारत के विकास की राह ग्राम पंचायतों से शुरू होती है, मगर फिर भी अभावों तथा मौसम की मार ने इस कृषि प्रधान देश के किसानों व अन्य ग्रामवासियों को इस तरह की समस्याओं का शिकार बना दिया है कि वे इस मूलधारा से विच्छेद एक सूखी नदी का तट हो गए हैं। सरकारी स्तर पर उपलब्ध आंकड़े केवल सरकारी कागजों पर ही इन गांव की उन्नति दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो आज भी गांव में विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। चाहे इसका कारण ग्राम पंचायतों को मिलने वाला धन का अभाव हो या फिर भ्रष्टाचार हो, आज भी हमारे देश के अधिकांश गांव बहुत सी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसे जल्द से जल्द नहीं खत्म किया गया तो उसका परिणाम बुरा हो सकता है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव अमरोहा के ब्लॉक जोया में स्थित अमहेड़ा गाँव पड़ा। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान गुले रुखसार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं बात शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, तालाब तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का आवंटन भी किया जा चुका है। साथ ही साथ पेयजल आपूर्ति दुरुस्त कराने के लिए 11 हैंडपंप, वहीं विद्युत आपूर्ति दुरुस्त कराने के लिए 100 बिजली के पोल व 2 विद्युत ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए गए हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास, जल निकासी के लिए नाला, सीसी रोड, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। और क्या नाम है, ब्लॉक जोया और जिला अमरोहा और तहसील भी अमरोहा। और जो है मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोई काम नहीं हो पा रहा है जो कि मैं खुल कर करा सकूँ। बस जो पैसा आ रहा है वो मैं वो लगा देता हूँ और बाकी कोई ऐसी योजना नहीं आ रही जो कि मैं अपनी तरफ से दे सकूँ। गाँव का मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इसमें कोई ना कोई विकास हो रहा है ऐसा, और आवास नहीं, कोई आवास बना है और नहीं कोई वो हुई है, क्या नाम है, यही विकलांग और पेंशन और विधवा पेंशन ये भी नहीं बन पा रही है, जो कि 60 साल जो कि सही तरीके से कोई काम हो सके। इतनी अथॉरिटी ना है हमें तो हम कर कह सकते हैं इसमें, और बस इतना ही हमारा कहना था। वहीं ग्रामीणों ने भी एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की और बताया कि वर्तमान प्रधान बेहतर तरीके से विकास कार्य करा रहे हैं। प्रधान जी का कार्यकाल अच्छा है, प्रधान जी स्कूल के लिए सही काम करते हैं, बच्चों के लिए खाने का अरेंजमेंट की व्यवस्था अच्छी है और स्कूल का ध्यान रखते हैं।